उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। इलेक्शन की तारीख मिली तो एक पार्टी को हराने के लिए सब पार्टियों ने अपनी अपनी तदबीर की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फिलहाल वजह तो नहीं, पारस जहां ज़ैब सभी की फेवरेट एंकर, फेवरेट जर्नलिस्ट, आज इन्होंने एक मरतबा फिर इलेक्शंस के बाद बड़ा शानदार प्रोग्राम किया है जिसका एक क्लिप हम आपके सामने रखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है पूरा प्रोग्राम सुनो टीवी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जाकर आप देखिएगा। सलाम लहिसा कीजिए दोस्तों। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। इलेक्शन की तारीख मिली तो एक पार्टी को हराने के लिए सब पार्टियों ने अपनी अपनी तदबीर की, सोच विचार की, मनसूबा बंदी की, तगड़े उम्मीदवार चुने, हल्कों की सियासत करने वाले घोड़े अपने अस्तबल में बांधे, पीटीआई को मुकदमा के कोहे हिमालय के नीचे दबा दिया, एक पार्टी से तीन पार्टियां निकाली, उनके हाथ पांव बांध कर मैदान में फेंक दिया, लेकिन एक तदबीर अवाम ने की और उसके मुकाबले में बाकी सब तदबीरें उल्टी हो गई, क्योंकि अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो कप्तान तो होगा। इलेक्शन से दो हफ्ते पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का इनका पार्टी इलेक्शन कल अदम करार दे दिया गया। पीटीआई एक अदालत से अदालत और इलेक्शन कमीशन के चक्कर काटती रही, लेकिन पीटीआई को बल्ले का निशान देने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि इंतखाबी निशान नहीं होगा तो वोटर कंफ्यूज होगा और ये लोग हार जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो कप्तान तो होगा। इलेक्शन से एक हफ्ते पहले बानी पीटीआई को यके बाद दीगरे तीन मुकदमात में सजा सुनाई गई। इन सजाओं के बाद समझा गया कि अपने लीडर को सजा मिलती देख कर कारकुन दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। सारे इंतजाम करके सिर्फ पंजाब से ही 100 से ज्यादा नशिस्तें जीतने के दावे करने वाले पूरे पाकिस्तान से 75 क्रॉस करने में भी नाकाम रहे, और जिनको 40 या 30 पर रोकना था वो 100 क्रॉस कर गए, क्योंकि अवाम ने कहा था ना कि बल्ला हो या ना हो कप्तान तो होगा। पीटीआई को इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर फील्ड तक नहीं दी गई, पार्टी के जलसे तो दूर उम्मीदवारों को मुहिम तक चलाने नहीं दी गई। पानी पीटीआई ने जेल में बैठकर पार्टी को इलेक्शन लड़ाया और मुखालिफीन को पीछे छोड़ दिया। तो जनाब कप्तान ने एक बाजी जीत ली, अब हुकूमत साजी उनका हक है, लेकिन इलेक्शन मुहिम में एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाने और एक दूसरे की शक्ल तक ना देखने वाले फिर एक साथ जमा होने की तदबीर कर रहे हैं। उनकी नजरें पीटीआई का वोट लेकर आजाद जीतने वालों पर लग गई हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या वोटिंग में बगैर बल्ले के सिर्फ कप्तान के नाम पर वोट लेने वाले अवाम के नुमाइंदे भी साबित कदम रहते हुए ये कह सकेंगे कि कुछ भी हो जाए कप्तान तो होगा? तो इन्होंने बताया कि अवाम ने फैसला सुना दिया है कि होगा तो इमरान खान ही होगा। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, अवाम हार मानने को तैयार नहीं है और ना ही इमरान खान हार मानने को तैयार है। निज़ाम चाहे जो भी कर ले, खान हार नहीं मान रहा। तो आज की इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपको कैसी लगी इस हवाले से भी कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें।